नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है, क्या अब सीएम योगी की नजर मुख्तार अंसारी के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के 2 साल के दौरान जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी पुलिस जांच के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पूर्व मंत्रियों को इसकी भरपाई करनी होगी। यूपी सरकार द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ युद्ध का ऐलान किए जाने के बाद एक बयान में मान ने कहा कि उस पर कुल मिलाकर 55 लाख रुपए खर्च किए गए थे और 48 बार वारंट जारी करने के बावजूद उसे कभी भी अदालत में पेश ही नहीं किया गया। अंसारी को जनवरी 2019 में यूपी से ट्रांजिट रिमांड पर मोहाली के बिल्डर से फिरौती मांगने के आरोप में पंजाब लाया गया था और वो अप्रैल 2021 तक यहीं पर था। भगवंत मान ने बताया कि करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसे पिछली सरकार से वसूलने के तरीकों पर विचार कर रही है, जिसने कथित तौर पर जनता के पैसे की इस बेशर्म लूट की अनुमति दी थी। उनका बचाव करने वाले वकीलों के भुगतान से जुड़ी फाइल को सरकार ने खारिज कर दिया है। पूर्व जेल मंत्री हरजोत बैंस ने अंसारी को वीआईपी सुविधाओं की जांच के आदेश दिए थे और एडीजीपी आरएन ढोके ने अपनी रिपोर्ट में कुछ जेल अधिकारियों को दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की थी। हालांकि इस रिपोर्ट में किसी भी राजनेता को आरोपित नहीं किया गया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से संबंधित एक फाइल की मंजूरी का अभी भी इंतजार है। पंजाब की ओर से दवे ने अंसारी को यूपी ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया था और इसकी वजह थी अंसारी के पंजाब की तत्कालीन सरकार के नेताओं से अच्छे संबंध होना। पूर्व विधायक के एन राय की 2005 में हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2020 में उनकी पत्नी यूपी बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखकर पंजाब कांग्रेस पर अंसारी को बचाने के आरोप लगाए थे। यूपी सरकार ने भी शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पंजाब पर के एन राय की हत्या के आरोपी अंसारी को यूपी की अदालत में पेशी से बचने के लिए बेशर्मी से मदद करने का आरोप लगाया था। अदालत के जरिए उसकी हिरासत हासिल करने से पहले यूपी सरकार को पंजाब को 25 रिमाइंडर भेजने पड़े थे। 29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है और जाहिर तौर पर सीएम योगी चाहेंगे कि माफिया मुख्तार के आतंक को भी मिट्टी में मिलाया जाए। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।